क्या नाम है आपका? अनुष्का ठाकुर। अनुष्का ठाकुर, आप ड्रॉपर बेच में हो ना? हाँ, ये मेरा ड्रॉप है। फर्स्ट ड्रॉप है? सेकंड ड्रॉप है। तैयारी कैसी क्या चल रही है अभी आपकी? तैयारी तो बता नहीं सकती यार, मतलब कभी अच्छे मार्क्स है, कभी बेकार मार्क्स है। हाँ, पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है, इजी आ गया तो अच्छा चलेगा, डिफिकल्ट आ गया तो फिर अच्छा नहीं जाता है। हाँ सही है। लास्ट टेस्ट में क्या स्कोर आया था आपका? लास्ट टेस्ट में मेरा 340 आया था। अच्छा, मीडियम कौन सा है? मेरा मीडियम? हाँ, इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम। लास्ट ड्रॉप जो लिया था वो भी LNC लिया था? नहीं नहीं, वो तो मैंने घर से ही किया था। अच्छा, सेल्फ स्टडी। ओके, तो उसमें कितने आपके मार्क्स आए थे? उसमें मेरे 373 आए थे। 373। तब मतलब टेस्ट वगैरह ऑनलाइन दिए होंगे ना आपने? हाँ, मैंने ऑनलाइन दिया था, एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। अच्छा, और मतलब अभी जो सिलेबस आपका हो गया है ना, तो अभी जो टेस्ट फुल सिलेबस आ रहे होंगे, तो लेवल कैसा आ रहा है टेस्ट का? टेस्ट का लेवल तो ऐसा आ रहा है कि आपके नीट से मैच करेगा, ना ही ज़्यादा टफ है और ना ही ज़्यादा लाइट है। NCERT से भी मैच है और PYQs भी इंक्लूडेड है उसमें, और थोड़े से क्वेश्चन ऐसे जाएंगे जो आपने नहीं देखे होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे, बाकी तो अच्छा है लेवल, ऐसा ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑल इंडिया चल रहे हैं क्या? ऑल इंडिया था, संडे को था ऑल इंडिया, लेकिन अभी तो सिर्फ बैचलर्स वाले। ऑल इंडिया में जो एलन के कितने स्टूडेंट अपेयर हुए थे? ऑल इंडिया में कितने स्टूडेंट अपेयर हुए थे एलन के टोटल? इंडिया में कितने, मतलब? तो मुझे नहीं पता, पर वो उसमें अपन देख सकते हैं मतलब। अच्छा, हाँ मतलब मैंने देखा था, मेरा भाई भी तैयारी कर रहा है ना, उसने DLP टेस्ट सीरीज दी है, तो उसमें 63 कुछ सो हो रहा था, तो पता नहीं आप लोगों का कितना मतलब वो इंक्लूड है कि नहीं है। और मतलब जो बच्चे अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन्हें LN ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा रिव्यू ये है कि LN ज्वाइन करना चाहिए उन बच्चों को जो डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हैं। अच्छा। क्योंकि फिर भाई ये LN में अगर आप पीछे छूट जाते हो, डिसिप्लिन से नहीं कर पढ़ाई करते, तो वही पढ़ाई जो इजी पढ़ाई है भाई आपको बहुत टफ लगने लगती है, क्योंकि LN में ऑब्वियसली लेवल थोड़ा ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो अगर आप डिसिप्लिन से टीचर्स के साथ पढ़ते हुए चलते हैं ना, तो वही चीज़ आपको बहुत ईजी लगती है, और अगर आपने डिसिप्लिन से नहीं पढ़ा तो वही चीज़ आपको इतनी डिफिकल्ट लगेगी जो आप घर बैठ के भी डिफिकल्ट नहीं कर पाते। अच्छा, जैसे आपने ना ऑनलाइन तैयारी भी करी है और ऑफलाइन भी यहाँ पे कर रहे हो, तो जो लोग अभी मतलब 12th पास आउट है, जस्ट इस बार उन्हें 12th एग्जाम दिए, तो उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए या फिर ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए? मेरे ख्याल से अगर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा अगर डिसिप्लिन है तो वो ऑनलाइन भी निकाल सकता है, 100% वो ऑनलाइन निकाल सकता है, लेकिन अगर बच्चे को ऐसा है कि वो एक महीने पढ़ता है फिर नहीं पढ़ता है, फिर अगले महीने पढ़ता है फिर नहीं पढ़ता है, तो उसको फिर क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए ताकि उसका पेस बना रहे। और कुछ सजेशन देना चाहोगे जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को? अच्छा, ऑनलाइन तैयारी करने वालों को मैंने भी ऑनलाइन तैयारी की है, तो मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं कभी पढ़ाई करती थी कभी नहीं करती थी। हाँ। मेरी क्लासेस भी छूट जाया करती थी, पर ये है ऑनलाइन वालों का यही है कि आप ऑनलाइन को ऑनलाइन की तरह ना देखें और ऑफलाइन की तरह देखें कि हाँ आज मेरी क्लास है तो आज सारी क्लासेस मैंने लाइव ली है तो लाइव क्लासेस ही लें, सारी DPP भी उसी वक्त सॉल्व करें, उसी दिन सॉल्व करें, ये मान के चले कि आज मेरी क्लास थी और आज मेरी DPP ली और आज ही सारा वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल ऑफलाइन बना के ही चले आप। जैसे ऑनलाइन आपने मतलब करी थी लास्ट ईयर है ना, तो कौन से प्लेटफॉर्म से करी थी? मैंने ऑनलाइन एक्चुअली मैंने अनअकैडमी से भी की थी, मैंने PW से भी की थी, दोनों से मैं कर रही हूँ मतलब। ठीक है यार, हमारे सब्सक्राइबर को बोलिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज फिजिक्स वाले, ओके, प्लीज मेडिकल वालों को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका दिल करे वो करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।